हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सास बहू सिंधी तड़का। जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। सो फ्रेंड्स, टुडे वी आर मेकिंग जलेबी। सो उसके लिए हमने क्या क्या रबड़ी बनाएंगे। यस, विद रबड़ी। सो उसके लिए हमने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमने लिए शुगर 1 बोल, ये हमने लिए है मीठी सोडा, हमने लिया है 1 ग्लास ऑफ वाटर, ये लिया है हमने मैदा मेजरिंग कप से, ये है मैदा, ये है हमारा कर्ड दही, ये है हमारा चावल का आटा। चावल के आटे से थोड़ी क्रिस्पी बनेगी जलेबी, थोड़ी सी क्रिस्पी और बनेगी। कलर है ये हमारा फूड कलर है। सो फ्रेंड, नाउ वी आर मेकिंग बैटर फॉर जलेबी। सो उसके लिए हमने सबसे पहले ले लिया है 3 कप मैदा डाल देंगे इसमें। मैदा 3 चम्मच, ये हमारा पूरा फूल। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा चावल का आटा, 1 कप, 1 चम्मच, 1 चम्मच चावल का आटा। उसके बाद हम इसमें डालेंगे दही, दही थोड़ा थोड़ा मिला के इसको फिर घुमाते जाएंगे ऐसे, 2 चम्मच इसे मिक्स बैच करते जाएंगे। और फिर आप अपना सारा कर्ड इसमें ऐड करते हैं। उसके बाद हम इसको मैच करेंगे, पानी डाल के इसको मिक्स करेंगे, थोड़ा पानी डालेंगे इसमें। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा बैटर हो गया है रेडी। बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है, बहुत ज़्यादा थोड़ा सा डालेंगे, थोड़ा फूड कलर, फूड कलर ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा ज़रा सा डालेंगे, चुटकी भर आपको डालना है और उसमें पूरा आपका कलर आ जाएगा। अच्छे से आप इसे मिक्स करें। अरे ऐसी थिक ऐसी चाहिए, बस ऐसे गिरता रहा, ऐसा ऐसा बैटर बना। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ऐसी आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। सो फ्रेंड्स, बैटर हो गया है हमारा रेडी, कंसिस्टेंसी आपने देख ली है। अब हम बनाएंगे अपनी चाशनी फॉर जलेबी। तो उसके लिए हमने पैन ले लिया है, उसको गर्म कर लिया, उसमें डाल दिया हमने 1 ग्लास पानी, बोल भर के हमने डाल दी है चीनी। बनेगी चाशनी, अब इसमें हम ऐड करेंगे, अब इसमें हम बनाएंगे अपनी चाशनी। इसे अच्छे से हम स्टर करते रहेंगे। एक तार वाली चाशनी बनाएंगे, थोड़ा सा हम फ्रेंड्स इसमें फूड कलर ऐड करेंगे ताकि और कलर एनहांस हो, क्योंकि उसमें हमने जो थोड़ा कम फूड कलर ऐड किया था, देख लो आप फ्रेंड, इसमें हम थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे ताकि वो बाजार जैसी जलेबी का कलर आए। तो फ्रेंड्स, ये हमारी जब तक चाशनी बन रही है, हमने अपनी रबड़ी बनने रख दी है। इसमें 1 लीटर दूध डाला, इसमें 1 लीटर और इसको चलाते रहना है और इसको आपको थिक करना है जितना हो सके, क्योंकि रबड़ी थिक ही होती है। और इसमें हमने मम्मा और क्या ऐड करा है, बस इलायची डाली है। कितनी इलायची डाली है? एक ही डाली, दो इलायची, दो इलायची डाली है और 1 लीटर दूध हमने डाला है। और यह हमारी चाशनी रेडी हो रही है और ये रबड़ी बन रही है। इसको आप कंटिन्यूसली चलाते रहें, काढ़ना है बेसिकली दूध को। सो काम है बाल को, फिर इसमें रबड़ी बनेगी इसमें थोड़ी। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं चाशनी की चीनी बिल्कुल घुल चुकी है और उबाल भी आ गया। ऐसी हमें रखनी है चाशनी, बस एक तार वाली। अब इसमें थोड़ा हम नींबू डाल देंगे ताकि ये रखने से वो ना हो जाए, गाढ़ी ना हो जाए, इसलिए हल्का सा नींबू डालते हैं। थोड़ा सा नींबू डालना, देखो फ्रेंड्स, ये इसका हमने 1/4 हिस्सा लिया, छोटा सा। अब ये बन गई हमारी चाशनी, अब इसको बंद कर देंगे, इसको बंद कर देंगे और गरम गरम जलेबी हम फ्राई करते जाएंगे और चाशनी में डालते जाएंगे। अब ये चाशनी हमारी बन चुकी है, यहाँ पे हमारा दूध भी कड़ रहा है, ये हमारी रबड़ी बन रही है। सो फ्रेंड्स, अब हमारी चाशनी रेडी हो गई है। अब हमने ले लिया ये अमूल का पैकेट दूध का, जिसमें से हमने दूध निकाल दिया है, ये हमने खाली पैकेट ले लिया। अब इसमें हमें बैटर अपना भरना है, तो हम कैसे भरेंगे? थोड़ी थोड़ी इसमें पहले डालेंगे मीठी सोडा, बेकिंग सोडा डालेंगे, बेकिंग सोडा पिंच, बस जरा सी डालनी, ज्यादा नहीं डालनी, देखा इतनी सी आपको डालनी, ज्यादा डालेंगे तो फिर वो हो जाएगा, फट जाएंगी ज्यादा डालने से। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे और इसे बैटर में पोर कर देंगे। आप एक ऐसा मग ले लें, उसके अंदर आप अपना पनीर इसमें डाल दें, पूरा बैटर और बैटर अपना पोर कर दें। सो फ्रेंड्स, अब हमने इसमें बैटर डाल दिया, हल्का सा, हम बिल्कुल हल्का सा आपको इसे कट कर लेना है, दैट्स इट। रबड़ लगाना है, अब पीछे आपको इसके रबड़ लगाना है, पीछे आप इसको ऐसे रबड़। सो फ्रेंड्स, ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें स्टार्ट करेंगे बनाना।
आप देख सकते हैं फ्रेंड्स जलेबी बन रही है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारी जलेबी क्रिस्पी क्रिस्पी बनके एकदम रेडी है। आप देख सकते हैं कितनी टेस्टी लग रही है। अब हमें इसे ऐड करना है चाशनी में गरम गरम। हाल फिलहाल इसको आपको फ्राई करके फ्रेंड्स चाशनी में ऐड करना होता है। You did sometimes, seeing eyes of mine.